टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शाह परिवार में माया को लेकर झगड़ा बरकरार है। डिम्पी जहां माया की तरफदारी कर रही है, वहीं पाकी, किंजल, बा और पारितोष इसे माया का जाल बता रहे हैं। लेकिन डिम्पी माया का पक्ष लेती है। डिम्पी कहती है कि मेंटल इलनेस के बारे में बा शायद समझ ना पाए, लेकिन आप लोग तो समझ सकते हैं। तभी किंजल कहती है कि माया की कैसी मेंटल इलनेस है, जो सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब उसे मम्मी को हार्म पहुँचाना होता है। इस पर पाकी कहती है कि तुम भी एहसान फरामोश हो, मम्मी ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें घर में रखा, तुम्हारा केस कंप्लीट हो गया तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहीं रही। डिम्पी पाकी को मुंह तोड़ जवाब देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। डिम्पी पाकी से कहती है कि तुम्हारी अपने पति से नहीं बनती तो क्या कर सकते हैं, तभी तो तुम बार बार यहाँ आ जाती हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिम्पी और पाकी में लगातार बहसबाजी चलती रहती है। तभी बा दोनों को चुप रहने के लिए कहती है और दोनों को ही घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी डिम्पी बा को उल्टा जवाब देती है और कहती है कि इस घर में सारे कलेश की जड़ तो आप ही हो। इस घर में 99% जितने भी झगड़े हुए हैं वो बा की वजह से ही हुए हैं। डिम्पी साफ साफ बा से कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वनराज का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वनराज डिम्पी और समर दोनों को ही घर से निकलने के लिए कहता है। वनराज कहता है कि मेरे इस घर में मेरे माता पिता की बेइज्जती मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। समर तू अपनी बीवी को संभाल नहीं सकता, इसलिए इस घर से निकल जा। डिम्पी वनराज को घर से बाहर निकलने के लिए साफ मना कर देती है। इसके बाद जिस माया की वजह से शाह हाउस में इतने झगड़े हो रहे हैं, उस माया की मेंटल स्थिति अभी भी स्टेबल नहीं है। माया देखती है कि उसके रूम में अनुज नहीं है। माया खुली आंखों से अनुज और अनुपमा को करीब होने का सपना देख रही है। माया का दिमाग इस कदर खराब हो गया है कि उसे अपनी आंखों के सामने अनुज और अनुपमा रोमांस करते हुए दिख रहे हैं। वो देख रही है कि अनुज अनुपमा से कह रहा है कि हम माया को मेंटल असेलम भेज देंगे और उसके बाद में तुम, मैं और छोटी अनु आराम से रहेंगे। मैं और छोटी अनु तुम्हारे साथ अमेरिका चले जाएंगे, जिससे तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा और हम तीनों एक साथ रहेंगे। हम इन सब को छोड़कर अमेरिका निकल जाएंगे। इसके बाद माया बहुत तेज चिल्लाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अनुपमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोड़ फोड़ कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बार बार यही सोच रही है कि उसकी इस गलती की वजह से अनुज इतना नाराज है कि वो कहीं उसे हमेशा के लिए ना छोड़ दे। अनुपमा अनुज से मिलती है, उसे कहती है कि तुम्हें माया की जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से निभानी होगी और मुझे गुरुकुल की। अनुपमा के जाने के बाद अनुज को रियलाइज होता है कि माया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। माया को वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता। माया की इस हालत को देखकर छोटी बार बार घबरा जाती है। माया का घर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे मेंटल हेल्थ सेंटर भेज देना चाहिए। वनराज जब डिम्पी और समर को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है तो बा उसे रोकती है और कहती है कि जब सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूँ तो मुझे ही घर से बाहर निकल जाना चाहिए। बा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बैठती है। पार्क में अनुपमा बा को रोते विरक्ते देखती है। बा अनुपमा से कहती है कि माना कि मैं कड़वी हूँ, मैं कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इस परिवार को बांध के रखा है, इसे बिखरने नहीं दिया है। आज मेरा परिवार डिम्पी के आने से बिखर रहा है। आजकल के बच्चों को कुछ भी पुराना पसंद नहीं आता, इसीलिए हम बूढ़े लोग भी पसंद नहीं हैं। बा जब अनुपमा से अपने दिल का हाल बताती है तो ये सीन काफी इमोशनल है। इस सीन को देखकर वाकई में आप भावुक हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड में बॉलीवुड और टेलीविजन से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।